मोदी जी बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति हैं। उन्होंने संपूर्ण भारत को एक राष्ट्रवाद से जोड़ने का काम किया है और अच्छे काम कर रहे हैं, और जिनके कारण हमारे संपूर्ण विश्व में मोदी जी की वजह से हमारा भारतवर्ष का नाम हो रहा है। तो मोदी जी आज के डेट में हमारे लिए तो सबसे बेहतर बेहतरीन नेता है, उनके जैसा मुझे नहीं लगता है कि कोई हो सकता है, तो इसलिए मोदी जी तो है ही। नरेंद्र मोदी तो आज वर्ल्ड का बहुत बड़ा हीरो है। मोदी के बारे में हम कहना चाहेंगे कि हमारे देश के लिए प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी जैसा हो, और ताकि हम लोग का देश का और अच्छा विकास हो। हम लोग का लोकप्रिय नेता है भारत के, है ना, उनका अभी वर्चस्व पूरा वर्ल्ड में चल रहा है। जी का भी तो यही कहना है कि जीवाई को बनेंगे। तो अभी मैं मिल चुका हूँ नेताजी से, जो कि और काफ़ी दूर से मैं नारायण जी के साथ आए, बोले आज नेताजी के साथ मिलेंगे। तो अभी हम लोग बैठेंगे कहीं पे, नेताजी का इंटरव्यू लेंगे, आपको बताएंगे नेताजी क्या क्या कार्य करने वाले हैं। तो आप अपना अमूल्य वोट जो है नेताजी को दे करके ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजयी बनाएं। बाकी तो नेताजी अभी थोड़ी देर में बताएंगे, आपको बैठेंगे वहाँ पर। तो हम भी जो है यहाँ पे अभी सीट धारण कर लिए हैं, बैठे हैं सारे। अभी मंत्री जी क्या बोलेंगे वो आपको बताएंगे आगे। तो इस वक्त एक सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, नरेंद्र मोदी जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अरे, नरेंद्र मोदी तो आज वर्ल्ड का बहुत बड़ा हीरो है। बिल्कुल, है ना, आज हम लोग उसका फैन बन गए हैं। पहले नहीं थे, लेकिन आज उसका एक कार्य करने का शैली को देख, पब्लिक का एक रुझान को देख के हम लोग उसके पीछे लग गए हैं, कांग्रेस से छोड़ करके बीजेपी की ओर। जी जी जी, चलिए कुछ और लोग हैं यहाँ पे। अभी जस्ट अभी राजनीतिक पार्टी की मीटिंग पूरी हुई है, उनसे जानते हैं। नरेंद्र मोदी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, नरेंद्र मोदी के बारे में हम कहना चाहेंगे कि हमारे देश के लिए प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी जैसा हो, और ताकि हम लोग का देश का और अच्छा विकास हो। नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम लोग का लोकप्रिय नेता है भारत के, है ना, उनका अभी वर्चस्व पूरा वर्ल्ड में चल रहा है। अभी हाल में ही जो घटना हुआ हम लोग का चीन के साथ, अब तक चीनी सेना को मार के कोई भी सरकार, जो इंडियन गवर्नमेंट था, उन्हें खदेड़ा था, लेकिन यहाँ के सेना द्वारा उनको खदेड़ा गया। यही नरेंद्र मोदी का ताकत बताता है, है ना। और हम लोग का जितना भी मान लेते हैं पहले के हिसाब से, जितना भी सुरक्षा उपकरण जो नए नए तरह से जो हम लोग का सरकार, मोदी सरकार ले रहे हैं, उनसे हम लोग का भारत मजबूत हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आइए कुछ और लोग हैं, उनसे जानते हैं। बहुत अच्छे नेता हैं, विश्व नेता हैं, और सबके साथ में हैं। उनकी जो पॉलिसी है पूरा देश एक्सेप्ट कर रहा है। 2024 में फिर ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। बिल्कुल। और हमारे जो अभी मीटिंग हुई, जस्ट सनी पाजी के बारे में क्या कहेंगे? सनी टोपो जी एक युवा नेता हैं, और ये हमेशा मेहनत कर रहे हैं क्षेत्र में, ये भी जीतेंगे। अच्छे आदमी हैं, जनता में जाते हैं, सुख में दुख में सब जगह ही जाके ऐसे मिल रहे हैं आदमी से, मेहनत कर रहे हैं। और युवा को तो हर आदमी चाहता है, मोदी जी का भी तो यही कहना है कि युवा ही को बनेंगे। युवा रहेंगे तो ज्यादा सक्रिय रहेंगे, युवा नेता रहेंगे जो युवाओं के साथ। हाँ, सक्रिय। ये थे हमारे साथ एक और सर, तो जोहार, आपको जोहार सर। जोहार, झारखंड में हम तो जोहार बोलेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? ये थोड़ा सा युवा वर्ग हो के आप शर्मा रहे सर, मोदी जी को जानते हैं ना आप? जानते हैं। क्या कहेंगे मोदी जी के बारे में? हम यही कहना चाहेंगे, थोड़ा बोल नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल, कोई नहीं कोई नहीं, थोड़ा और आप स्टडी करिए। सनी पाजी की तरफ, जो आज हमारे युवा नेता है जिन्होंने अभी मीटिंग ली यहाँ पर, कैमरामैन जरा आगे आ जाइए। तो ये हमारे युवा नेता है जो कि झारखंड बेड़ो से, ये इस वक्त हम बेड़ो के कौन सा गांव है, लापुंग
लापुन तो यहाँ पर है। तो सनीपा जी ने अभी बहुत ही अच्छा यहाँ पे लोगों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ में एक बहुत ही अच्छी मीटिंग की, कार्यकर्ताओं को समझाया और उनके साथ में गुप्त को कि एकदम जमीन लेवल से जुड़े हुए इंसान है और किसान परिवार से बिलोंग करते हैं सनीपा जी। और मैं खुद एक सनी देओल अपने बॉलीवुड के अंदर चढ़ा समझाओ इसे, एक सनीपा जी अपने यहाँ पे झारखंड में, तो सनी टोपो नाम है इनका और बहुत ही अच्छे इंसान है, इनका व्यक्तित्व है मतलब काफ़ी अच्छा है। तो सनीपा जी से जानेंगे, सनीपा जी आपकी तैयारी कैसी चुनाव को लेकर के? देखिए सबसे पहला बात तो 2024 में चुनाव होने वाला है जी, उससे पहले विधानसभा चुनाव होने, उससे पहले लोकसभा चुनाव होगा, तो अभी तो हम लोग लोकसभा चुनाव के लिए मेहनत कर रहे हैं जी जी, कहेंगे लोकसभा ही चुनाव विधानसभा चुनाव का दशा और दिशा तय करेगा जी जी। उसके लिए हम लोग भाई हर प्रखंड के हर पंचायत पे एक एक गाँव पर जा रहे हैं जी जी, ठीक है, और उस अंतिम व्यक्ति और अंतिम कार्यकर्ता तक को जोड़ने का काम कर रहे हैं जी, ताकि जो भी योजनाएं आए, जो भी सरकार की द्वारा योजनाओं का लाभ हो जी जी। वो हमारे गांव के अंतिम व्यक्ति और अंतिम लोगों तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे, कहें कि जरूरतें उस गांव में, उस पंचायत में, उस अंतिम व्यक्ति को है, शहर में रहने वाले लोगों को तो है जी जी। लेकिन गांव की जो अभी स्थिति है, गांव में आप जाके देखिए कि जो गरीबी है, बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, राशन कार्ड हो, आवास की जरूरत है जी जी। तो ये हमारे सुदूर गांव में, सुदूर गांव में उनकी आवश्यकता है, हमारे यहाँ के जो गरीब किसान है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, ठीक है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल। तो हमारा मुख्य उद्देश्य कि उस अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना, उस अंतिम व्यक्ति को लोगों के पास जाना और उनको जोड़ना जी, ताकि हमारा 2024 का चुनाव हो जो जी, उसमें हम लोग विजय प्राप्त कर सके। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ में सनी टोपो जी, जो कि चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, और हमारी शुभकामनाएं इनके साथ में। सनीपा जी आप चुनाव में भारी बहुमत से विजय हो, यही हमारी शुभकामनाएं। और एक शब्द नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे सर, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, जिनका पूरे वर्ल्ड में डंका बजा। हाल ही में 2 महीने पहले दुबई गया था, तो मुझे काफ़ी गर्व फील हुआ मुझे खुद, जब लोगों ने मुझे मोदी जी के हिसाब से पहचाना कि आप मोदी जी के वहाँ से आए हैं, ऐसा नहीं बोला कि इंडिया से, आप मोदी जी के वहाँ से आए। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। आप मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे सर? मोदी जी बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, उन्होंने संपूर्ण भारत को एक राष्ट्रवाद से जोड़ने का काम किया है और अच्छे काम कर रहे हैं, और जिनके कारण हमारे संपूर्ण विश्व में मोदी जी की वजह से हमारा भारतवर्ष का नाम हो रहा है जी जी। और यही आशा और उम्मीद करते हैं कि इस तरह के काम करते रहें, और वो जो भी योजना लाएं, वो योजना का लाभ हमारे लापुंग, मांडर, बेड़ोर, इटकी जैसे सुदूर गांवों में, जहाँ पे जाने के लिए सड़कें की सुविधा नहीं है, वहाँ तक उनका योजना का लाभ वहाँ के लोगों को मिल सके। और मोदी जी तो भाई ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे भारत देश के हैं, तो उनके बारे में मुझे कुछ कहना तो बहुत कमी है, शब्द ही कम पड़ेंगे मेरा कहने वाला, है ना। तो सर और साथ सर क्या आप क्या कहना चाहेंगे मोदी जी के बारे में, आपकी क्या राय है? मोदी जी आज के डेट में हमारे लिए तो सबसे बेहतर मतलब बेहतरीन नेता है, उनके जैसा मुझे नहीं लगता है कि कोई हो सकता है, तो इसलिए मोदी जी तो है ही, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। और आप मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं, जैसे आप युवा वर्ग हो, आपका नाम क्या सर? मेरा नाम हुआ पंकज सिंह। बिल्कुल बिल्कुल, आपका जो अनुभव क्या कहता है मोदी जी के बारे में, आपने इतने सारे माहौल देखे, चुनावी माहौल वगैरह देखे, तो अभी तक का जो आपने लाइफ में देखा है उसमें, और अभी मोदी जी का जो कार्य चल रहा है विकास की बात करें तो? नहीं, मोदी जी ने अभी तक, मुझे नहीं लगता है कि मोदी जी के जैसा अभी तक कोई नेता आया हो, और जो भी उन्होंने आज देश का विकास किया है, चाहे देखा जाए इंडिया का बात पूरा वर्ल्ड में देखा जाए, तो इनके जैसा बेहतर नेता आज नहीं। आज हमारा इंडिया को देखिए कि पूरा वर्ल्ड में आज लीड कर रहा है, G20 जो है उसमें आज हमारे मोदी जी की वजह से उनको क्या बोलते हैं, सो अध्यक्ष का दर्जा भी मिल गया है, आज हमारा इंडिया लीड कर रहा है। तो इस तरह से मोदी जी तो मैंने आज के डेट में देखा जाए तो बेहतरीन नेता है, उनके सामने आज तक कोई ऐसा नहीं है जो आज हमारे देश को पूरा वर्ल्ड में वैसा नाम कमा सके जी जी। तो जैसा कि आपने देखा दर्शकों, ये थे हमारे यहाँ पे झारखंड के अंदर बेड़ो गांव के अंदर लापुर के अंदर हमारे जो युवा नेता जो है सनी टोपो जी जो हैं, वो अभी जस्ट चुनाव की तैयारी करें लोकसभा चुनाव की। और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग झारखंड में बेड़ो से आसपास के जो ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं, तो सनीपा जी को जो है ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत से विजयी बनाए, यही हमारी शुभकामनाएं सनी टोपो जी के साथ में। कैमरा पर्सन नारायण जी के साथ में JK मतरिया, SG न्यूज, लापुर बेड़ो गाँव, झारखंड, रांची।
तो ये जो है दाल है, भात है, और मेन चीज़ है इसके साथ जो पत्ता है, पत्ते के अंदर जो है पापड़ है, अचार है। तो अभी हम लेंगे देसी झारखंड के अंदर जो है देसी तरीके से एकदम जो खाने का आनंद पूरा एकदम नेचुरल जो है पत्ते के अंदर जो है, ये पत्ता है ना मेरे को ये इसमें काफ़ी खूबसूरत मज़ा आ रहा है पत्ते के अंदर खाने का। तो चलिए पहले भोजन करते हैं दाल भात।